जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रसारित होने जा रहा सुपरनेचुरल शो भेड़िया में मेन लीड रोल के लिए अभिनेता गश्मीर महाजन ही फाइनल हो चुके हैं, जो इस शो में अपना अहम योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिन्हें बड़े दिनों बाद स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपकमिंग शो भेड़िया में गश्मीर महाजन ही के लीड रोल के लिए छोटे पर्दे के 5 अभिनेता पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनके रिजेक्शन के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। तो आखिरकार कौन कौन से वो अलग ही अभिनेता और क्यों, किस लिए वो भेड़िया शो का हिस्सा नहीं बन पाए, चलिए आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं। नंबर 1, सहबान अजीम। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता गश्मीर महाजनी से पहले तुझसे है राब्ता फेम एक्टर सहबान अजीम को भेड़िया शो में काम करने का सुनहरा मौका मिला था, पर कुछ वक्त पहले इन्होंने स्पाई बहू शो बंद होने के बाद एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है और अब कुछ समय के लिए ये फ्री रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने खुद ही शो का लीड रोल रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 2, रोहन मेहरा। वही हैंडसम अभिनेता रोहन मेहरा पर भेड़िया शो में गश्मीर महाजनी का लीड रोल सूट नहीं हुआ, जिसके चलते मेकर्स ने खुद ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3, फैमान खान। इसी के साथ इमली शो छोड़ने के बाद अभिनेता फैमान खान को नया और बड़ा शो प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी हाथ लगा, जिसे छोड़कर ये भेड़िया शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने खुद इस शो में काम करने से मना कर दिया है। नंबर 4, करण पटेल। यह चाहते फेम एक्टर करण पटेल की छोटे पर्दे पर डिमांड ही खत्म हो गई है, इस वजह से भेड़िया शो इनके भी हाथ से निकल गया है। नंबर 5, मोहसिन खान। जहां अभिनेता मोहसिन खान अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भेड़िया शो में लीड रोल के लिए इन्होंने फीस को लेकर काफी ज्यादा डिमांड की, जो कि शो मेकर्स ने देने से मना कर दी, इस वजह से इन्हें भी भेड़िया शो नहीं मिल पाया। वेल दोस्तों, आप भेड़िया शो में और किस अभिनेता को देखने की इच्छा रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।